वेलकम टू इनक्रेडिबल स्टडी. आई एम चंदन कुमार. वी आर गोइंग टू रीड क्लास 10th लेसन 2nd, मी एंड द इकोलॉजी बीट. हम लोग इसका बुक पढ़ लिए थे और क्वेश्चन आंसर बाकी रह गया था, तो हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए. आइए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं. क्वेश्चन B.2 ये बुक में दिया हुआ है और दिया कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली. कह रहा है कि जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न दिए गए हैं, उसका उत्तर बहुत ही संक्षिप्त में देना है. क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन द नरेटर कॉल्स मिस ग्रीन मिसेज ग्रीन. कह रहा है कि क्या होता है जब नरेटर जो है वो मिस ग्रीन को मिसेज ग्रीन कह देता है. तो इसका आंसर दिया है कि व्हेन द नरेटर कॉल मिस ग्रीन मिसेज ग्रीन. कह रहा है कि जब नरेटर मिस ग्रीन को मिसेज ग्रीन कह देता है, सी सेज, तो वह कहती है दैट कि सी डज नॉट हैव चेंज टू पे हिम. तो वो कहती है कि मेरे पास खुदरा नहीं है, मेरे पास चेंज नहीं है उसे देने के लिए. रियली क्या होता है कि जो नरेटर रहता है वो कचरा उठाने का काम करता है और मिस ग्रीन के यहाँ से भी कचरा लाता है, तो कचरा लाता है तो उसके बदले में कुछ पैसा लेता है. तो ये क्या होता है कि मिस ग्रीन के घर जाता है और उस मिस ग्रीन को मिसेज ग्रीन कह देता है तो वो मिसेज ग्रीन भी कह देती है कि मेरे पास खुदरा पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए. अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देख लेते हैं. कह रहा है कि व्हाट डज द नरेटर डू ऑन सैटरडेज एंड संडेज. कह रहा है कि नरेटर जो है वो सैटरडेज और संडेज को क्या करता है. तो आंसर हो गया कि ऑन सैटरडेज एंड संडेज द नरेटर हैज टू लुक फॉर द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन द लॉन ऑफ मिस ग्रीन. यानी सैटरडे और संडेज के दिन नरेटर जो है ना वो एक बड़ा प्लास्टिक गार्बेज बैग यानी कूड़ा कचरा के जो बैग होता है उसको क्या करता है, उसको खोजना पड़ता है मिस ग्रीन के लॉन पर, यानी मिस ग्रीन के घास के मैदान पर. वो सैटरडे और संडे को ये खोजने के लिए चला जाता है. 3 नंबर में दिया है कि विच एनिमल मैसेज ऑफ मिस ग्रीन यार्ड. कह रहा है कि कौन सा जानवर है जो मिस ग्रीन के यार्ड को, आंगन को गंदा कर देता है, मैसेज अब गंदा कर देता है. तो इट इज़ द डॉग. इसका आंसर हुआ कि इट इज़ द डॉग, यानी वो कुत्ता ही है डैट जो मिस मैसेज ऑफ मिस ग्रीन यार्ड, मिस ग्रीन के आंगन को क्या करता है, गंदा कर देता है. 4 नंबर में दिया है कि व्हाई डज द नरेटर आस्क मिस ग्रीन टू सेव पेपर एंड एल्युमिनियम कैंस. कह रहा है कि नरेटर जो है वो मिस ग्रीन को क्यों कहता है कि पेपर को और एल्युमिनियम कैंस, एल्युमिनियम कैंस मतलब होता है एल्युमिनियम के डब्बा को सेव रखने के लिए, बचा कर रखने के लिए. तो इसका आंसर है कि द नरेटर आस्क मिस ग्रीन टू सेव पेपर एज दे कैन बी मेड इनटू न्यू वंस. नरेटर जो है ना वो मिस ग्रीन को इसलिए पेपर बचा करके रखने के लिए कहता है क्योंकि वे लोग उसको एक नए तरीके में बदल सकते हैं, उसको नए तरीक़े से बना सकते हैं. एल्युमिनियम ऑल्सो कैन बी रिसाइकल्स, और एल्युमिनियम को भी रिसाइकल कर दिया जाता है. रिसाइकल का अर्थ होता है कि मतलब किसी चीज़ को नया न्यूनतम में बदल देना. 5 नंबर में दिया है कि डिड द नरेटर सक्सीड इन गेटिंग मिस ग्रीन डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी. कह रहा है कि क्या नरेटर जो है वो सफल हुआ मिस ग्रीन को पारिस्थितिकी के बारे में कुछ करने से. कह रहा है कि नरेटर जो है वो मिस ग्रीन को पारिस्थितिकी के बारे में कुछ करने के लिए जो प्रयास कर रहा था, क्या उसमें सफल हुआ. तो वो सफल नहीं हो पाता है. तो इसका आंसर हो गया कि नो, द नरेटर कुडंट सक्सीड इन गेटिंग मिस ग्रीन डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी. यानी नरेटर जो है वो जो मिस ग्रीन है उसको परिस्थिति के बारे में कुछ करने के लिए जो राय सलाह दे रहा था उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो पाता है. उसके बाद ये बुक में नहीं दिया गया है कि B.3.2 आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली. यानी जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर बहुत ही संक्षिप्त में देना है. क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस. करा कि मिस्टर जॉनसन के घर से जो पोस्ट ऑफिस है वो कितना दूरी पर था. तो वो दो ब्लॉक के दूरी पर था. तो इसका आंसर दिया है कि द पोस्ट ऑफिस वाज ओनली 2 ब्लॉक्स अवे फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस. करा कि जो पोस्ट ऑफिस है वो केवल 2 ब्लॉक के दूरी पर था मिस्टर जॉनसन के घर से.
दूसरा नंबर में दिया है कि व्हाट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड द नरेटर यूज, नरेटर जो है वो किस प्रकार से बिजली को यूज करता है, तो ये टीवी सेट चलाता है, तो इसका आंसर होगा कि द नरेटर यूज टीवी सेट। थ्री नंबर में दिया है कि व्हाई डिड मिस्टर जॉनसन थिंक दैट द नरेटर डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग, करे कि जो करें कि क्या मिस्टर जॉनसन सोचते हैं कि जो नरेटर है वो जो प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग है, टहलने का जो सिद्धांत है, उसको अनुसरण नहीं किया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मिस्टर जॉनसन थॉट, मिस्टर जॉनसन सोचते हैं डैट कि मिस्टर जॉनसन सोचा कि द नरेटर डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग, वो प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग यानी जो टहलने का जो सिद्धांत है उसको अनुसरण नहीं किया नरेटर ने, बिकॉज क्योंकि द नरेटर यूज हिज मोटर बाइक राउंड एंड राउंड हिज बैकयार्ड ऑल समर एंड स्नो मोबाइल ऑल विंटर, यानी कि जो नरेटर है वो अपने मोटर बाइक को राउंड एंड राउंड यानी गोल गोल करके अपने बैकयार्ड हिज बैकयार्ड यानी अपने घर के पीछे में ऑल समर पूरे समर वो गोल गोल करके यूज करता रहा, उसको चलाता रहा। एंड स्नो मोबाइल जो बर्फ पर चलने वाली गाड़ी होती है स्नो मोबाइल, और उस जो स्नो मोबाइल था उसको ऑल विंटर वो पूरी जाड़े में। फोर नंबर में दिया है कि डिड द नरेटर इंजॉय टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी, कह रहा है कि जो नरेटर है क्या वो पारिस्थितिकी के बारे में कुछ करने के लिए कह करके क्या वो एंजॉय किया, तो इसका आंसर हुआ कि नो, वो एंजॉय नहीं करता है, तो हुआ कि नो द नरेटर डिड नॉट टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।